और यहाँ पे उठ गई है मेरी काशू। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति रामी ब्लॉग्स। ऐसा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो हम आ गए हैं फिर से नए ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग होने वाला है होली पे। और होली का त्यौहार हो और गुजिया ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता, तो आज हम बनाने वाले हैं गुजिया। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू यू ऑल। हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली। सबको होली की बहुत बहुत बधाई। तो आज बनाने वाले हम क्या? गुजिया। गुजिया बनाने वाले क्या? गुजिया नहीं होता, गुजिया होता है। तो हम बनाने वाले गुजिया। सामान वगैरह हम लोग दुकान से दीदी लेके आ गई थी, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ हम कैसे गुजिया बनाते हैं। तो हम आ गए हैं किचन में और दीदी यहाँ पे निकाल दिए सूजी। ये सूजी है, चूल्हे में हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें दीदी ने घी डाल दिया है। यहाँ पे रखी है सूजी और बाकी ये सामान। ये है क्या है, किशमिश। ये क्या है, ये सौंफ। ये है खोया पाया और ये मैदा और खरबूजे के बीज। और वो भी तो डालते थे आप लाल पीले कलर वाले। तो हम लोग बनाते हैं गुजिया। मैं ग्राइंड करती हूँ चीनी। ऐसे आ रही है ना इसमें, वैसे नहीं आ रही थी जलने के बाद। तो ये घी थोड़ा हमारा पुराना रखा हुआ था, तो इसको जला के हम इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें स्मेल नहीं आ रही थी, पहले इसमें स्मेल आ रही थी, बट हमने थोड़ा जला दिया, धुआं धुआं आ गया, तो आप ये ठीक है बनाने। तो घी हो चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं सूजी। सूजी को हम पूरा ब्राउन होने तक इसको भूनते हैं। ये चीनी है, चीनी को हल्का सा ग्राइंड करना पड़ता है, इसको हम ग्राइंड कर देते हैं। जितनी चीनी चाहिए उतनी मैं जार में डाल के इसको ग्राइंड कर देती हूँ। तो ये रेडी हमारा बुरादा। चीनी को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। तो ये मीडियम वाला जार था, सूजी मैंने आपको दिखाई थी उतनी सूजी के लिए मैंने ये मीडियम वाले ग्राइंडर के जार पर इतना मैंने पूरी चीनी ग्राइंड कर दी है। तो सूजी जब तक ब्राउन हो जाती है हम नारियल को कद्दूकस कर देते हैं। ये अभी इसको ब्राउन होने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये लोग की बदमाश है, हमारा कहना नहीं होते हैं। हमको झगड़ा, हमसे झगड़ा करने के लिए आए अभी भी। देखो ये वाले यहाँ हाईलाइट में। अरे यार हम भी इनकी दो दीदी लोग दोनों हमारे, जो हमारे सेट खाली थे ना, जो मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था इस साइड का भी उस साइड का भी, तो ये दोनों सेटों में सेटल हो गए हैं दोनों दीदियाँ। तो हमारे साथ ना गुजिया बनाने के लिए हेल्प करने के लिए आए हैं दोनों। तो आज हमारी गुजिया बनेंगे, ये दोनों हेल्प करेंगे, फिर इनकी गुजिया बनाएंगे, हम दोनों जाएंगे। तुम बस बैठो यहाँ पे। मैंने पता नहीं गलती से मंगाई, इसमें घी नहीं डाला, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाले लोग कामदार अच्छे से बुन गई है और ये पूरा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो इसमें अब हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम नारियल और बाकी सौंफ किशमिश वगैरह जो भी है बुराता वो बाद में ऐड करेंगे हल्का ठंडा होने के बाद। ये है खरबूजे के बीज, इसका ओरिजिनल नाम है मगज। ये है मगज ऐड कर दिए हैं किसमें।
ऐड कर दिया सूजी में सारी चीजें जो जो भी डालनी थी। नहीं ये अभी ये चीनी हुई और ये मिंग कर दिया। मैंने निकाल दिया मैदा, इसको गूंद देते हैं। इसमें मैं हल्का सा घी ऐड करूंगी और पानी के साथ इसको गूंद के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा मैदा, इसमें मैंने घी डाला हुआ है एक कटोरी और मैं इसको पानी के साथ गूंद रही हूँ। घी डाल के ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, पानी की जगह अगर आप चाहें तो आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं पानी में ही इसको गूंद रही हूँ। भी आ गई, आप सब लोग आओ। ये आटा और ये पूरा मसाला। ये रहा चकला बेलन, कहाँ है भाई, ये लेके आ गई चकला बेलन दीदी यहाँ पे। और ये रही मसीन वाला चम्मच किनारे का, भी दोबारा बनाएंगे ऐसे तो होगा ही, बेलेंगे भी कैसे मैं आंटी कहे बोलूं। अरे यार ऐसे ही करते हैं जैसा आप कह रहे हो, कह रही हूँ तेरा मेरा चलेगा, बीच का ही तो सीधा होगा, तेरा मेरा जहाँ को जाएगा। हाँ वही तो, वही जहाँ जाएगा वो बहुत ऊंची क्यों आ रहा अंदर, ये बनाई मतलब पतला तो बड़ा बड़ा कर लूंगा। मसाला तेल लगाते हैं ऐसे किनारे में, तेल या पानी वो फूट जाते हैं ना, वो तो पहले से उसमें लगाना, मशीन में लगाते हैं, आटे में लगाते हैं, पानी लगाएंगे ना। अब फूटता है नहीं मतलब पानी, हाँ बन जाती नहीं होनी चाहिए, प्लीज बन जाना। बन चुकी है और दीदी यहाँ पे तल रही है, ऑलमोस्ट तल भी चुके हैं सारे, बाकी जो जितने बाहर में बचे हैं वो, और ये थाली पे इतने बचे हुए हैं। और मैंने रखी है चाय, इनको चाय पिलाएंगे हम दीदी लोगों को, ठीक है। चाय पी के जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। ओके पनीर तल रही है हमने गुजिया, और इनको पूरा अच्छे से ब्राउन होने तक बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको तलना होता है। जितने लाइट फ्लेम पे हम इसको तलेंगे उतने ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और यहाँ पे उठ गई है मेरी काशु, अभी तक सोई थी और अभी उठ गई है। अब इसको थोड़ा सा जुड्डू पिलाते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग जिसमें हमने गुजिया बनाई। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो और हमारी गुजिया भी आप लोगों को पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।